हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। तो ये जो मूवी आप लोग बोल रहे थे कब से कि विवाह मूवी देखें, अभी उसका फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर लिया है। देखते हैं ये मूवी कैसी है। कमेंट्स तो देखे थे, बोल रहे थे कि ये जो हम साथ साथ और हम आपके कौन मूवी थी ना, ये उसी डायरेक्टर ने बनाई है। तो हमने कहा यार फिर तो देखना बनता है, क्योंकि वो भी मूवीज बहुत हमें अच्छी लगी थी। आपके साथ अभी प्ले करते हैं, क्या है प्ले कर। कभी कभी सोचता हूं कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। जहां जन्मती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, वहीं से जड़ें समेट कर कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियां देखते ही देखते एक दिन जगत जननियां बन जाती हैं। बेटी का पिता चाहे विदेश में बसा कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे मुझ जैसा मधुपुर का एक छोटा सा फलों का व्यापारी, दोनों की नियति एक जैसी ही तो है। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना। पर कुछ भी हो, बेटियां तो बेटियां हैं, मेरी पूनम की तरह। प्यार से मैं उसे बिट्टू कहता हूं। वो मेरे स्वर्गीय बड़े भैया की इकलौती निशानी है। भैया भाभी के गुजरने के बाद ये मुझे उपहार में मिली। पूनम मेरी बेटी छोटी के साथ बड़ी हुई। बचपन से ही दोनों बहनों में सगी बहनों से स्नेह था, लेकिन मेरी पत्नी रमा पूनम को कभी अपना ना सकी, क्योंकि रंग रूप में पूनम छोटी से अधिक सुंदर है। पूनम रमा में लगातार एक मां खोजती रही, लेकिन एक बिन मां की बेटी बिन मां की ही रही। मैं पूनम को अपने पास ही रखने लगा। चाचा जी। अरे मुनीन जी, वापिस रखो, वापिस रखो। ए बम। मैं स्नेह भरी एक नजर से उसे देखता, वो खिल-खिल जाती। मैं उसे कविताएं सुनाता, वो मेरे साथ गाती, हम अपनी आवाजें टेप करते। छोटा सा साजन, नन्ही सी दुल्हन, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर। दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से अर भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से अर भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते के लिए बेटियों के दामन में कितना प्यार होता है। घृणा होती है जानकर कि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं।
आज मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और अब पूनम के विवाह के बारे में सोचने का समय आ गया है। अरे रहने दो भैया, रहने दो, ये है वर्ल्ड की सबसे तंग गली। और ये है वर्ल्ड की सबसे स्लो बारात। तुम आओ। ले वर्ल्ड का सबसे फुस रॉकेट। फुस। कमाल एक्टर है। राधे राधे मुनीम जी। राधे राधे। अरे भगत जी आप कितने बरसों के बाद दर्शन हुए आपके। कृष्णकांत जी हैं घर पे? हैं, बिल्कुल हैं, आइए। मधुपुर तो वैसा का वैसा ही रहा जैसा हम छोड़ कर गलियों से गुजरती है बारातें और छोटे रॉकेटों का डर। मेहरबानी आपकी। छोटे बाबू क्या है मुनीम जी? भगत जी बता रहे हैं। भगत जी? अरे भगत जी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? एक फोन कर दिया होता, मैं ही पहुंच जाता दिल्ली। क्यों भाई, जब आप और भाभी जी जेवरों का ऑर्डर देने के लिए हमारे पास दिल्ली तक पहुंच सकते हैं तो उनकी डिलीवरी देने के लिए हम मधुपुर नहीं आ सकते? क्यों नहीं जी। और भाभी जी, हम जब यहाँ रहते थे तो आप लोगों के साथ जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम बिताया है वो जरा याद करवाइए। भाभी जी कैसा है घुटनों का दर्द? अब कुछ ठीक है भाई साहब। ये चूड़ियों की डिजाइन देखते ही पूरा ठीक हो जाएगा। आपकी पारखी नजरों को जेवरों की कितनी परख है मुझे सब पता है। अभी से एक एक करके जेवर बनवाना शुरू करेंगे, तब एक दिन जाकर बेटियों के विवाह की तैयारियां पूरी होंगी भगत जी। अरे बेटी का कन्यादान तो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है कृष्णकांत जी। और फिर जब बेटी जेवर गहने पहनकर दुल्हन के लिबास में सामने आ जाती है मन आत्मविभोर हो। जीती रहो कृष्णकांत जी। ये पूनम है ना आपकी बेटी? अरे वाह, आपने खूब पहचाना, आपने तो इतना सा देखा होगा इसे। बस पहचान लिया। इस साल बीकॉम कर लेगी, मेरा अकाउंट्स का सारा काम यही संभालती है। वो सब ठीक है, मेरी जेवर बनाने की मेहनत पर तो पानी फिर गया। ए पिटिया छोटी छोटी। चाची जी मैं बुला के लाती हूँ। देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान। जी जी इतना अच्छा बना है, एक झुमका साथ में है बस यही। अगर चाची जी को पता चल गया यहाँ पढ़ाई नहीं ठुमके लग रहे हैं तो जानती हो ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम जो मुझे बचाने के लिए। चल चल तैयार होना है, नीचे मेहमान आए हैं। हे भगवान, मेहमान बाबूजी के आते हैं, माँ काम मुझे करती है। पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, खांचे लगाओ, जब तक नीचे जाओ तब तक तो मेहमान ही चले जाते हैं। मुझसे तो तुम अच्छी हो जीजी, माँ तुमसे कुछ नहीं कहती। सॉरी जीजी, माँ तुमसे कुछ भी तो नहीं कहती। तू जो इतनी बकबक करती है किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देती। चल सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज भी चेहरे पे लेप नहीं लगाया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और ये दांत दिखाना बंद कर। मेहमान के सामने ठीक से चलना। वाह, मधुपुर की रबड़िया ने वर्ल्ड की बेस्ट रबड़ी। कृष्णकांत जी अब आज्ञा चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, आपकी दोनों बेटियों के हाथ जल्द ही पीले हों और आपको वर्ल्ड के बेस्ट जमाई मिले, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू अंकल, आपकी बातें सुन के माँ मुस्कुराई ना सही। रमा
मैं भी जरा ठाकुर जी के मंदिर होकर आता हूं। प्रवचन शुरू होने वाला। चले जी, चले। चाचा जी। हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा अंकल, कहीं जाएगा? अच्छा। मेरी छोटी से छोटी आवश्यकता का ख्याल रखती है, जैसे बेटी नहीं माँ। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूरम को देखते ही कैसे पहचान लिया। सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समाज में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी आए तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। लड़का बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे परिवार से है। दिल्ली के हरिश्चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता, हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति। उनका एक पांव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पांव सादगी की जमीन पर। बहुत ही खुले दिल के इंसान है वो। पूनम के लिए हरिश्चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। भगत जी, मैं इतने ऊंचे खानदान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या ऊंचे खानदानों के लड़के कुंवारे रहेंगे? ऊंचे खानदान वालों को अच्छी बहुओं की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है मुझे। हरिश्चंद्र जी को एक अच्छी बहू की तलाश है और मैं एक बहुत ही अच्छी बहू का प्रस्ताव लेकर उनसे मिल रहा हूँ। पूनम की फोटो देनी हो तो दो। मैं अभी लाता हूँ।